दोस्तों आज मैं आपको ऐसे भूतिया प्लेन के बारे में बताने वाला हूं जो उड़ने के बाद पूरे 35 सालों तक उड़ता रहा और जब इस प्लेन ने लैंड किया तो लोग अंदर के नजारे को देख के हैरान रह गए। दोस्तों 4 सितंबर 1954 के अमेरिका के सैंटियागो एयरलाइंस की एक फ्लाइट ने ब्राजील के लिए उड़ान भरी जिसे 18 घंटे में ब्राजील पहुंचना था, लेकिन दोस्तों अटलांटिक ओशियन के ऊपर से गुजरते समय प्लेन का कॉन्टैक्ट अपने कंट्रोल सेंटर से टूट जाता है। फिर कंट्रोल सेंटर के लोगों को लगने लगा कि प्लेन समुद्र में डूब गया, जिसके बाद सालों तक प्लेन को समुद्र में खोजा गया, मगर दोस्तों कुछ हाथ ना लगने की वजह से लोगों ने इस घटना को धीरे धीरे भुला दिया। लेकिन दोस्तों 12 अक्टूबर 1989 को अचानक यह प्लेन फिर से रडा में आता है जो बिना किसी परमिशन के ब्राजील के एयरपोर्ट पे लैंड करता है। दोस्तों प्लेन के लैंड करने के बाद एयरपोर्ट के कर्मचारियों ने पायलट से संपर्क करने की कोशिश की मगर कोई जवाब नहीं आया। काफी देर बाद जब प्लेन से कोई बाहर नहीं आता तो लोगों ने प्लेन के दरवाजे को तोड़ के अंदर देखा तो चारों ओर इंसानों के कंकाल पड़े थे, जिसे देखकर लोग हैरान रह गए और लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि यह प्लेन 35 सालों तक कहां रहा और कैसे बिना पायलट के इस प्लेन ने लैंड किया। जिसके बाद कुछ लोग इस घटना को भूतों से या कुछ लोग तो टाइम ट्रेवल से जोड़ते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर सब्सक्राइब जरूर करें।